हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ड्राई माउथ से रिलेटेड है कि आपके मुंह की जो त्वचा है अंदर की तरफ वो ड्राई क्यों रहती है, और ऐसे पेशेंट्स जिनको कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की समस्या है तो उनको क्या क्या कर सकते हैं वो होम रेमेडी में, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग जानते हैं कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये माउथ के अंदर जो सलाइवेशन होता है वो आपके जो मेजर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड है इन दोनों के द्वारा होता है। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में जैसे कि आपका पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गए, और माइनर सलाइवरी ग्लैंड में आपके जो है ऐसे ग्लैंड्स जो कि आपको दिखाई नहीं देते हैं बट वो जो सिक्रीशन है वो म्यूकोसा के थ्रू आपका होते रहता है, जिसमें कि पैलेट में मोस्ट ऑफ द माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, आपके लोअर लेबियल लिप पे होते हैं। तो इस तरह से जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो मेजर एंड माइनर दोनों के थ्रू होता है माउथ के अंदर। तो जब कभी भी हाइपो फंक्शन होता है यानी कि सलाइवरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन घट जाता है। तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर सलाइवरी ग्लैंड हाइपो फंक्शन किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। तो जैसे कि किसी पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि आपका जोगरन सिंड्रोम। तो जोगरन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके जितने भी म्यूकोसल स्ट्रक्चर है वो ड्राई होने लगते हैं, जिसमें कि आपके जो ड्राई आई होने लगता है, ड्राई माउथ होता है, और इसके साथ एक और बीमारी जुड़ी होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस तरह से जो जोगरन सिंड्रोम है उसमें भी आपको ड्राई माउथ देखा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज ये है। इसके अलावा जैसे कि अगर किसी पेशेंट का हाइपो फंक्शन नहीं है सलाइवरी ग्लैंड का तो भी वहाँ पे ड्राई माउथ हो सकता है, जैसे कि आपका फंगल इन्फेक्शन का होना, या फिर ऐसे पेशेंट जो कि टबैको च्यूअर थे और उन्होंने अपने हैबिट को क्विट की है तो वहाँ भी ड्राइनेस कई बार जो है विड्रॉल सिम्टम के रूप में आता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनका भी जो सलाइवा है वो थिक हो जाता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसा कि मैंने कहा कैंडिडा एल्बिकन्स वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाता है। कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अंडर जो है रेडिएशन थेरेपी जाते हैं, जैसा कि कैंसर जो पेशेंट होते हैं वो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसे सभी कंडीशंस में जो है अलग अलग चीज़ एप्लीकेबल है। जैसे किसी पेशेंट का अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी एंटी फंगल ड्रग थेरेपी होती है, साथ में ओरल हाइजीन को अच्छा करना होता है। प्लस ड्राई माउथ को आप समझेंगे कैसे, तो जब भी आप खाना खाएंगे या कोई भी ऐसी चीज़ आप बातचीत करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है मिरर के थ्रू तो कई बार मिरर भी जो है आपके माउथ के म्यूकोसा में चिपक जाती है, तो ऐसा भी होता है। साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ड्राई माउथ है उसको होम रेमेडी के द्वारा कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो होम रेमेडी के द्वारा इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर लें, यानी कि छोटा छोटा सिप पानी का लेते ही रहें, और इसके अलावा जो है आप जो है फ्रूट्स को के इंटेक को बढ़ा दें, साथ में जैसे कि आप लेमन को ले सकते हैं, लेमन को आप सक करें, इससे भी सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। और अगर आप लेमन को रोस्ट करके थोड़ा सा सॉल्ट के साथ अगर इसे सक करते हैं एक स्लाइस को, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है नहीं तो ये हाइपर एसिडिटी भी कॉज करता है, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।